हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का हमारा टारगेट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज हम इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग के सेकंड रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये हंट्स रूल देखो, इसको हटा दो तो केवल हंट्स रूल हो गया। जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि पाउली रूल, और पाउली को बेस्ट तरीके से लिखना है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पर हंट्स रूल, और बेस्ट तरीके से लिखना है तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, बस सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो, ध्यान देना। जैसे तुम्हारे घर में तीन रूम है, बहुत अच्छे से समझना, तुम्हारे घर में तीन रूम है, ठीक है। अब तुम अकेले हो तो, और वो तीनों रूम एक जैसे है, बस ध्यान से समझने की बात है। आपके घर में तीन रूम है, तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब तीनों में डबल बेड है, तीनों में एसी लगा हुआ है, तीनों लेग बाथ अटैच है, ठीक है। तो सारी फैसिलिटी तीनों के अंदर है। आप किस में रहोगे, मैंने क्वेश्चन पूछा आप किस में रहोगे, बोले सर वो तो तीनों एक जैसे हैं, किसी में भी रह सकते हैं। तो बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी किसी में भी रह सकता है, किसी भी रूम में रह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो ब्रदर हैं, अगर आप दो ब्रदर हैं तो वो दो ब्रदर किस रूम में रहेंगे, वो किसी में भी रह सकते हैं दोनों ब्रदर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका, देखिए सबसे पहले हंट्स रूल, ये मैंने ले लिया पी सब सेल, पी सब सेल, पी सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल तीन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी सब सेल में। और मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये बात समझा चुका हूं कि तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, एनर्जी तीनों की इक्वल है, एनर्जी तीनों की सेम है, ये मैंने इक्वल का साइन भी लगा दिया, इससे आप ध्यान रखें। तो पी सब सेल, बात समझिए, पी सब सेल, पी सब सेल कंटेंस थ्री पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, थ्री पी ऑर्बिटल विच आर इक्वल इन द एनर्जी। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया आपके घर में तीन रूम है, तीनों एक जैसे हैं, सेम कालीन बिछा हुआ, सेम डबल बेड है, सेम एसी लगे हुए, सेम लेट बाथ अटैच है, तो सारी चीजें सेम है। अब मान लीजिए यहां पर आपके सामने तीन रूम है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो एक्चुअली बोले सर पी एक्स पहले आता है, ये गलत बात है कि पी एक्स पहले आता है, पी वाई बाद में, पी जेड और बाद में, ऐसा नहीं है। आपको मैंने समझा चुका हूं कि आपका ये जो एक एक्सिस है एक्स, इसे आपने एक्स एक्सिस नाम दिया, इसे आपने वाई एक्सिस नाम दिया, और इसे आपने जेड एक्सिस नाम दिया, ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक ये एक्स हो गया, ऐसा वाई हो गया और ऐसा जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, तीनों ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब एक्स एक्सिस पर जो ऑर्बिटल है उसका नाम आपने दे दिया एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स, ठीक है। वाई एक्सिस पर जो है उसका नाम आपने दे दिया वाई, पी वाई, और जेड एक्सिस पर आपने नाम दे दिया पी जेड। अब बताइए तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मुझसे छोटे बड़े बन गए हैं अब, क्योंकि मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये तीनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस इक्वल है, पी एक्स पहले नहीं आता, पी वाई बाद में नहीं आता, पी जेड और बाद में नहीं, तो तीनों इक्वल है न्यूक्लियस से, एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है, वाई पर ओरिएंटेड है, जेड पर ओरिएंटेड है, तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर वो ओरिएंटेड है, इक्वल एनर्जी के, ये लिख दिया हमने एनर्जी सेम।
आप शेप तो सेम है ही, आपको मालूम है डम्बेल शेप है, तो शेप भी सेम है, ये भी आप जानते हैं। तो हमारा हंड कहता है, अब हंड रूल स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिए, हंड रूल कब लगता है, उस सब सेल पर अप्लाई होता है, उस सब सेल के ऑर्बिटल्स पर अप्लाई होता है जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात हम क्या समझे कि हंड रूल किन पर अप्लाई होता है, हंड रूल अप्लाई होता है उन ऑर्बिटल पर जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। अब इक्वल एनर्जी कब हो सकती है, जब वो सेम सब सेल के होंगे तो एनर्जी इक्वल होगी, अगर सेम सब सेल के नहीं होंगे तो एनर्जी इक्वल नहीं होगी। आ गया समझ में, मेरी बात समझ आई आपको, इतनी बात मेरी समझ आई कि नहीं आप लोग को बताओ, तो बच्चों यस सर यस सर, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो पी सब सेल के तीन ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz, px, py, pz तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, px, py, pz तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, और एनर्जी इक्वल है इसलिए यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, हंड्स रूल अप्लाई होगा। तो ये लिखें, लिख लिया आपने, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। सपोज आपके पास कॉन्फ्यूगुरेशन P1 है, P1 का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो किस ऑर्बिटल में रहेगा, ये देखिए ध्यान से, ये इसमें आ सकता है, px में भी रह सकता है, ये py में भी रह सकता है, और ये pz में। तो जनरली हम क्या लिख देते हैं, px1, ये p1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, px1, p1, ये p1 है, p1 का मतलब सबसेल p है, p1 का मतलब सबसेल p है, और उसका ऑर्बिटल px है, तो px में इलेक्ट्रॉन हो सकता है px1, ठीक है। तो p1 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ px1, आप ऐसा लिखिए, और बेटर तरीके से आप ऐसा लिखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है p2, बोले सर क्या py और pz वैकेंट होंगे, हाँ वैकेंट रहेंगे, आप इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्यों, तीनों की एनर्जी इक्वल है। जैसे मैंने आपको बतलाया कि आपके घर में तीन रूम हो और तीनों एक जैसे हो तो आप किस में रहेंगे, बोले सर किसी में भी रह सकते हैं, सभी में एक जैसा है, हाँ यदि एक में फैन होता, एक में कूलर होता और एक में एसी होता तो फिर लड़ाई होती, एसी वाले में जाते, बोले ज्यादा अच्छा लग रहा भैया वहां पे कम ज्यादा ठंडा है, आगे समझिए। तो यहाँ तो तीनों की एनर्जी सेम है, तो व्हेन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर सेम देन, आगे बढ़ेंगे अब अपन, फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हो तो पी सब सेल में इस तरह से रहेगा, किसी में भी वो रह सकता है, यदि दो इलेक्ट्रॉन है, पी टू कॉन्फ्यूगुरेशन है, अगर पी टू कॉन्फ्यूगुरेशन है तो वो इस तरह से होगा, ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इसमें गया, ये देखिए इस तरह से। जरा सोचो अगर आपके यहाँ तीन रूम होते और आप दो भाई होते तो क्या करते, आप पी एक्स में रह सकते थे और पी वाई में भी रह सकते थे, दो भाई हैं, बोले कितने भाई हैं, पी में कितने रह रहे हैं, पी में कितने भाई रह रहे हैं, बोले पी में ये दो रह रहे हैं, और बेटर तरीका, बोले एक पी एक्स में है एक पी वाई में, ये अब एक बार लिख दिया हमने, पी एक्स में है और पी वाई में, क्या पी एक्स और पी जेड में नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं, आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सही है, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए करेक्ट है, और यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं। आगे बेटा समझ में, ध्यान दीजिए, फिर अगर आप P3 होते, P में तीन इलेक्ट्रॉन होते तो P में तीन इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते, इस तरह से लिखते हम, ये एक ये रूम में गया, एक ये रूम में रहेगा, एक ये रूम में रहेगा, ये तीनों रूम में वन बाई वन चले गए। बोले सर याद करो, यदि आप तीन ब्रदर हैं और आपको ऐसा रख दिया जाता, बहुत ध्यान से समझ लो, आपको ऐसा रख दिया जाता, ये तो क्या होता, ये रूम खाली पड़ा हुआ है घर में, ये रूम में दो भाइयों को रख दिया, मम्मी पापा ने बोले तुम दोनों इसमें रहो, एक इसमें रहेगा, दोनों रात में लड़े, लड़े तो वो अपने आप ऐसे हो जाएंगे, अपने आप ऐसे हो जाएंगे,
लड़ने, क्यों? बोले मम्मी मैं सोता हूँ, ये पढ़ता है चिल्ला चिल्ला के, तो सोने नहीं देता। ठीक है, तो लड़ाई हो गई। इसका मतलब अगर मान लीजिए ऑर्बिटल वैकेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर ऑर्बिटल वैकेंट है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। अगर ये दिया हुआ है ये, और आपके पास आप दो ब्रदर हैं और तीन रूम खाली हैं और दोनों ब्रदर को यहां रख दिया, ये देखिए यहां रख दिया ये, तो ये दोनों लड़ेंगे क्योंकि ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होते, ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होते तो प्रॉब्लम नहीं थी, इनमें रिपल्सन होगा, ये लड़ेंगे और अपने आप ऐसे हो जाएंगे, अपने आप ऐसे हो जाएंगे। अगर दोनों में ऐसा, तो ये गलत हो गया। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे पी में तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसा गया और दूसरे ऑर्बिटल में ऐसा गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत हो जाएगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा। माने इसमें एक का स्पिन हो गया है प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन हो गया है माइनस हाफ, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर ये इसका स्पिन है प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, दोनों के स्पिन सेम है, अलग अलग ऑर्बिटल में है। आप पाउली को ध्यान से सुनना, पाउली एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करता है, पाउली एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करता है, और हंड एक ऑर्बिटल में नहीं, पीएस पीवाई पीजेड, एक से ज्यादा ऑर्बिटल, जो सबसेल के एक से ज्यादा ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनमें बात करता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी रॉन्ग है, ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सब तीन का यदि आप बना दोगे ऐसा, यदि तीन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ऐसा बना दोगे, प्लस वन ऐसा हो गया, ये गया उल्टा, ये माइनस ऐसा, अगर आपने ये बना दिया, एक का ऐसा स्पिन बना दिया डाउनवर्ड, तो ये गलत हो गया, ये एक ऐसा बना दिया तो ये स्पिन गलत है, एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है, एक का प्लस हाफ है, गलत। तो अब आपको ये बात सिंपल समझ में आ गई होगी कि हमारा हंड रूल कहता है, अब रूल बता रहा हूं, हंड रूल कहता है सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वन बाई वन सेम स्पिन में जाते हैं, देखिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ सेम स्पिन में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक का स्पिन प्लस हाफ हो दूसरे का माइनस हाफ हो, ऐसा गलत हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट, ये उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्यों है वो भी आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इसका अगर आप देखेंगे तो इसका स्पिन प्लस हाफ है, इसका भी स्पिन प्लस हाफ है, इसका भी स्पिन प्लस हाफ, इन तीनों के स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ सेम स्पिन है, तो हमारा हंड रूल कहता है, अब हंड रूल में बोल रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और सेम सबसेल, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी बोलिए और ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल बोलिए, वन बाय वन इन सेम स्पिन, इलेक्ट्रॉन ये रूल हो गया, इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर सेम सबसेल, आर सेम सब सेल, तो आप चाहे ऐसा बोले एक ही सबसेल के ऑर्बिटल या ऐसा बोले एनर्जी सेम वाले ऑर्बिटल, ठीक है, वन बाय वन इन सेम स्पिन, ये अभी आधा रूल हुआ, ये एक पार्ट हुआ इसका, ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझिए इसको। अगर ध्यान दीजिएगा सब लोग, बिल्कुल अच्छे से पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों की एनर्जी सेम है, तीन इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये हाफ फिल्ड हो गया, इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, वन बाई वन एक 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 तीन हो गए। बताइए हंड कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोलो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए टू, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं टू, अभी इनमें वन 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 है यानी टू 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 कर दे तो सिक्स हो जाएंगे टोटल, टू 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 कर दे तो सिक्स हो जाएंगे, तो सिक्स की जगह यहाँ पर आपके अभी थ्री हैं और थ्री को हम बोलते हैं हाफ फिल्ड। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए वन ये टू और ये थ्री इस तरह चला गया। अगर मान लीजिए ये पी फोर होता, अगर मान लीजिए पी फोर, ये पी थ्री है ये पी टू है ये पी वन है, अब पी फोर होता तो बताइए अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, इसमें भी रह सकता है इसमें भी और इसमें भी रह सकता है, तो ये अगला इलेक्ट्रॉन P4 इसमें आ गया, ये आ गया। P4 का कॉन्फ्यूग्रेशन ये होगा, पर P4 का कॉन्फ्यूग्रेशन ऐसा नहीं होगा, ये कॉन्फ्यूग्रेशन P4 का नहीं होगा, ये देखिए ये P4 का कॉन्फ्यूग्रेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है ये देखिए रूल, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है, या सेम सबसेल वन बाई वन इन सेम स्पिन, वन बाई वन, वन बाई वन इन सेम स्पिन, एक इसमें गया इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इस ऑर्बिटल में गया, तीसरा इस ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल है ये, छह नहीं है तीन ऑर्बिटल, ये पूरा एक ऑर्बिटल, ये पूरा एक ऑर्बिटल, उस तरह से ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ये पूरा एक ऑर्बिटल और एक ही ऑर्बिटल, तो इस तरह से वन बाई वन इन सेम स्पिन, ठीक है। अब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, अब देखिए पी फोर हो जाएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो पेयरिंग विल स्टार्ट आफ्टर द हाफ फिल्ड, आफ्टर द सबसेल इज हाफ फिल्ड, ठीक है, एंड पेयरिंग विल स्टार्ट After the half fill, pairing कब start होगी, जब वो subcell half filled हो जाएगा, pairing will start when the subcell is half filled, ऐसा भी लिख सकते हैं, subcell after the half filled, pairing कब start होगा, ये देखिए pairing start हो गया जब वो half filled हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, और यहां देखिए क्या किया, पेयरिंग स्टार्ट कर दिया जबकि ये खाली पड़ा हाफ फिल्ड हुआ ही नहीं, और पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, देखिए ये देखिए पेयरिंग क्या कर रहा है, ये देखिए ये हाफ फिल्ड हुआ ही नहीं, ये हाफ फिल्ड हुआ नहीं और ये पेयरिंग कर दी, तो ये रूल अब गलत हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका एग्जाम में कभी ये आता है कभी ये आता है, कभी सबसे ज्यादा यही आते हैं, ये सबसे ज्यादा यही आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्यूग्रेशन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जितने इंपॉर्टेंट थे ये, जितने इंपॉर्टेंट थे उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जो गलत है, जो कॉन्फ्यूग्रेशन इनकरेक्ट है उन्हें ज्यादा अच्छे से समझना होता है। तो अब बताओ सबको एकदम से अच्छे से हंट्स रूल क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए मुझे हंट्स रूल क्लियर हुआ कि नहीं आपको, यस आर नो, क्यों बच्चों नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं हुआ अभी क्लियर, एक बार और पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करें सर, हो गया, एक यहां पर देखते हैं, अगर P5 होता ये देखिए P5 होता तो वन टू थ्री ये फोर ये फाइव इस तरह से, वन ये वन होता पहला इलेक्ट्रॉन, ये टू ये थ्री इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन और ये फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसकी पेयरिंग करेंगे हम, इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगे हम,
तो इसको आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ करके इसको बना लीजिए। ये रूल्स लिखिए, एक एक बात जो मैंने समझाई है उनको ध्यान से बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हुए अब फिर इसको पूरा बनाइए, आराम से टाइम है आपके पास। लिख लिया बेटा, सब लोगों ने लिख लिया, अभी नहीं लिख पाए? डन सर। अखंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द ऑर्बिटल, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, ये पी सबसेल के पी एक्स पी वाई पी जेड के सेम सबसेल के ऑर्बिटल, यहां हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, देखिए सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, वन बाई वन, एक गया फिर दूसरा गया फिर तीसरा, वन बाई वन इन सेम स्पिन, इन सेम स्पिन। तो आप जब सेम स्पिन की बात करेंगे और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये अपोजिट। बोले सर आपने तो पाउली रूल में ऐसा लिखाया था अपोजिट स्पिन, पर वो कब, एक ही सेम ऑर्बिटल, ये देखो जब एक ही ऑर्बिटल में आया अगला इलेक्ट्रॉन, ये देखो किसी ऑर्बिटल में आया तब अपोजिट में आएगा, ये आ गया अपोजिट। अब आ गया समझ में? तो यहाँ पर जब इतने की बात करते हैं तो पाउली, और जब सबकी बात करते हैं तो वन बाई वन, और पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, ये फोर से थर्ड से पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप थर्ड से या सेकंड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये रिपेल कर जाएंगे। ऐसा सोचो कि घर में तीन रूम हो और दोनों भाई एक साथ एक ही रूम में रहेंगे तो लड़ेंगे, लड़के वो अपने आप ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए तीन भाई हैं, उनको तीन रूम में अलग अलग रह सकते थे, दोनों को एक रूम में रख दिया तो क्या हुआ, उनमें रिपल्सन हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, तो वो अपने आप ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ रिपल्सन होता है, यहाँ रिपल्सन होता है, इनमें रिपल्सन होगा, इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा इनमें, और इसके कारण वो कैसे हो जाएंगे, अपने आप ऐसे हो जाएंगे। तो हमारा रूल कहता है हंड रूल, हंड ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उसने पाया कि वन बाय वन जाते हैं इलेक्ट्रॉन और वो सेम स्पिन में जाते हैं, उनके स्पिन सेम होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इनकरेक्ट है, तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, देखिए प्लस आप यहाँ पे माइनस आप स्पिन हो गया, ये प्लस आप ये माइनस आप और ये प्लस आप, तो ये गलत है, सेम स्पिन में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन के,
तो ये आपका रूल हो गया। अब फोर इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग चलेगी, तो पेयरिंग हुई तो ये हो गई पेयरिंग, यहां भी हो सकता था और यहां भी हो सकता था। तो इस तरह से ये हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां पर करते हैं। सब पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हाँ, वो मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये आपका हुआ पी सब सेल, ये बात हुई सब सेल की, और इस पी सब सेल में है ये आपके 3 ऑर्बिटल्स, ये हुए 3 ऑर्बिटल। तो P सब सेल के ये ऑर्बिटल्स हैं, Px है, Py है और Pz है। और भरने का तरीका, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 हो गया। ये देखिए अब पेयरिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर पेयरिंग नहीं कर सकते थे हम, अब हुई पेयरिंग, और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 5 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर ये। तो बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 6। बोलो बात क्लियर हो गई अब आपको। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल इक्वल टू 6। ये पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और कोई क्वेश्चन बोलता पी ऑर्बिटल में, तो कोई सा भी, ये देखिए पी एक्स ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये py ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, pz ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम किसी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहलाता है पाउली रूल, वो कहलाता है पाउली रूल। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रूल जो होता है वो पाउली रूल होता है। आगे बेटा समझ में, पाउली में और इसमें डिफरेंस समझ आया कि नहीं आपको, बताओ पाउली में और इसमें डिफरेंस समझ आ गया आपको अच्छे से? यस सर। तो ये देखिए 6 2+2+2 मतलब 2+2+2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, ये तरीका होता है इसका हंट्स रूल का। तो मुझे लगता है हंट्स रूल अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं, लिख दें इसको, आगे बढ़ा दें, ये लिख लो आप ऐसा, इसको आप लिख लीजिए। ब्रदर बेटा आगे आपने लिख लिया इसको, आपने लिख लिया इसको? यस सर। तो ये आपका सिंपल पाउली रूल हुआ, इसको हम पाउली रूल हुआ और हंड रूल हुआ। अब मैं हंड को इस पर अप्लाई करता हूं डी सब सेल पर। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए? 5। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबको याद है? ये 5 ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा आप। अगर कॉन्फ्यूग्रेशन D1 होता तो ये होता, D2 होता तो ये होता, D3 होता तो ये होता, D4 होता तो ये होता, D5 होता तो ये होता, ये 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए कैसे जा रहे हैं 1 by 1 इन सेम स्पेस, समझ आ गया कौन सा रूल है? डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, एनर्जी सबकी सेम है, आपको ये बात मालूम ही है। तो एनर्जी सबकी सेम है इन 5 ऑर्बिटल की, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 by 1 इन सेम स्पेस।
वन बाई वन इन सेम स्पिन, ठीक है। अब फिर पेयरिंग विल स्टार्ट, तो पेयरिंग अब डी सिक्स होता कॉन्फ्यूगुरेशन तो ये देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन आ गया है, डी सेवन होता तो ये देखिए सेवंथ इलेक्ट्रॉन आ गया, सेवंथ वाई इलेक्ट्रॉन, डी एट होता तो ये एट वाई इलेक्ट्रॉन आ गया, डी नाइन होता तो ये नाइन्थ वा, और ये डी टेन में ये टेंथ वाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो डी एट डी नाइन डी टेन। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगुरेशन का यह रूल क्लियर हो गया कि नहीं आपको, बताइए बोलिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये आया, सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगुरेशन डी वन से लगा के डी टेन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगुरेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द हंट रूल, ये हंट रूल के अकॉर्डिंग है। लिखिए लिख लिया बेटा ये, यस सर। तो आप कोई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी बीच में थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस आएगा क्रोमियम का, उसमें हम आपको अलग समझाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय समझाएंगे, पर ये आपका इस तरह से हम हंट्स रूल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब तो अब बताओ डी ऑर्बिटल क्वेश्चन दिया मैंने, द कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज, या आप और अच्छे से लिख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, ये भी चलेगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इज, ऑप्शन दे रहा हूं मैं इसको आप बताइएगा। आंसर बताओ, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे से पढ़ना है। टू बी आंसर की क्या, बी आंसर ना सेकंड, अब ये करेक्ट है बी, ये आंसर करेक्ट है आपका, क्यों ऑर्बिटल की बात की जा रही है, और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखिए यही क्वेश्चन है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डी सबसेल, अब देखो अब बात की जा रही है डी सबसेल की, और डी सबसेल का अब आप आंसर कैसे दोगे, बिल्कुल एकदम दिमाग में आ गया, डी सबसेल में फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम टू, तो आपका ये ऐसा बन जाएगा, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, मैक्सिमम टेन, तब आंसर आपका ये टेन, तब आंसर है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेन। अब बताओ कितना कितना सिंपल क्वेश्चन, और जरा से मैं अपने से गलत हो जाए, तो ऑर्बिटल की किसी भी ऑर्बिटल की हम बात करें तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कितने होते हैं, मैक्सिमम दो, और यदि मैं सबसेल की बात करूं तो सबसेल में फिर इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ डी में, तो ये दोनों क्वेश्चन लिखिए जल्दी से।
अब मैं ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर P के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये देखिए ये लिख लिया आपने। यस सर। अब मैं P ऑर्बिटल के लिए दे रहा हूँ आपको, तब आंसर यहाँ भी टू होगा इसके लिए, और यदि मैं यहाँ पे P सबसेल के लिए दे दूँ तो फिर आंसर आपका ये होगा। P सबसेल में PX होता है, PY होता है, PZ होता है, ये तीनों मिला के ये P सबसेल बनता है, और अब आंसर हुआ मैक्सिमम ये सिक्स लेता। बोलो समझ आ गया आपको? समझ आ गया आपको? तो फिर से दोनों लिखिएगा ताकि बिल्कुल मिस्टेक ना हो, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हो गया बेटा क्लियर? अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया, अब चेंज कर रहा हूं फिर से क्वेश्चन को, समझिए। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, तो भी आंसर यही होगा। ये देखिए अब अभी ऑर्बिटल लिखा, अब नाम दे दिया, पी ऑर्बिटल बोलू या पी एक्स ऑर्बिटल बोलू या पी वाई ऑर्बिटल बोलू या पी जेड ऑर्बिटल बोलू, तो भी आंसर यही होगा। तो फिर से लिखेंगे यही क्वेश्चन, नेम दे दिया पी ऑर्बिटल देता तब भी आंसर टू होता, पी एक्स ऑर्बिटल देता तब भी आंसर टू होता। लिखिए इसको, समझ आ गया बेटा आपको दोनों क्वेश्चनों का डिफरेंस? क्वेश्चन है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एफ सबसेल, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एफ सबसेल, ए आंसर 7, बी आंसर 2, सी आंसर 0 और डी आंसर 14, आंसर दीजिए। 14। बहुत बढ़िया, ये आंसर अब आप समझ गए होंगे। एफ सबसेल इसे कहेंगे, एफ सबसेल इसे कहेंगे जिसमें 7 ऑर्बिटल होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, और ईच ऑर्बिटल कंटेंट्स, देखिए इसका भरने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 by 1 सेम स्पिन, कौन सा रूल है? हंड रूल, 1 by 1 इन सेम स्टेट, एंड पेयरिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से। ये पेयरिंग जब F7 हो जाए, ये F7 दिख रहा है आपको, ये F7 दिख रहा हाफ फील्ड, और ये अगला 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू 14। ये F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो क्लैरिटी आ गई आपको कि नहीं आई? अब अब क्वेश्चन पूछा जाए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ सबसेल, ये क्वेश्चन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ सबसेल इज, तो मैं आंसर दे रहा हूं, ए एफ 0, बी एफ 7, सी एफ 5, डी एफ 14, तो कौन सा होना चाहिए बताइए?
समझ आ रहा है कि नहीं? बी ये हाफ फिल्ड पूछा, हाफ हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, तो ये होगा ऐसा, ये फुल फिल्ड है, इसको बोलेंगे हम फुल फिल्ड, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड क्या होना चाहिए, ये हाफ फिल्ड क्या होना चाहिए, इससे आप 1 2 3 4 5 6 7 ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये वाला इस तरह से लिखेंगे हाफ फिल्ड को। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, ये ऐसा, ये एफ सेवन हाफ फिल्ड होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको बोला गया हाफ फिल्ड, ठीक है, ये एफ सेवन हुआ और ये फुल फिल्ड, ये एफ फोर्टीन हुआ, तो एफ फोर्टीन फुल फिल्ड है, एफ सेवन हाफ फिल्ड, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं अब आपको? तो बच्चों हो गया बेटा क्लियर, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने को मजा आता है पढ़ने का, पढ़ने का मजा तभी है जब आप उसके क्वेश्चन थोड़े थोड़े सॉल्व करें, थोड़ा एक बार कंप्लीट हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक, फिर आपको मैं पूरा क्वेश्चन का एक बंच भेजता हूँ और फिर उसको आप सॉल्व करना। बीच में अगर मान लो क्या है मैं कुछ भेज दूं तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको, एक पूरा अभी स्पीड भी स्लो रखते हैं अपन और अभी क्वेश्चन भी नहीं, अभी मैं जो भी कराता हूँ बोर्ड पे करा देता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको बंच में भेजूंगा पूरा सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो आ गया समझ में? अब अगर मान लो मैं एस सबसेल की कैपेसिटी पूछूं, कैपेसिटी वही मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो आंसर देना 2 6 10 14, तो आंसर दो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल, तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल है और कैपेसिटी ऑर्बिटल दिया है तो टू ही होगी, और इसकी जगह एस सबसेल दिया होता, एस सबसेल दिया होता तो भी आंसर टू ही होता, दोनों के आंसर टू ही होते, क्यों होते दोनों के आंसर टू, क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट कर सकते हैं बताओ, दो, तो एस, ये एस सबसेल भी हो गया और ये एस ऑर्बिटल भी हो गया, तो एस सबसेल कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल, पहली क्लास में भी पढ़ाया था, बीच में भी पढ़ाया, अभी भी फिर पढ़ा रहा हूं, तो एस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां पर अगर सबसेल दिया जाए तो भी आंसर टू है और ऑर्बिटल दिया जाए तो भी आंसर टू है, अब पी दिया होता तो पी में तीन ऑर्बिटल थे, आ गया बेटा समझ में? करेक्ट आ गया समझ में आपको? चलिए आज की पूरी बातें आपको समझ आ गई कि नहीं आई बताइए मुझे, अब आज की सारी बातें आपको समझ आ गई बच्चों? नहीं आई? यस आर नो? वो अपना माइक अनम्यूट करो, आज की बात पूरी समझ आ गई आप लोग को कि नहीं आई? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? नो सर। नो सर। तो बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं,
हंस रूल और पाउली रूल दोनों को मिला करके अच्छे से पढ़िएगा, पाउली को और हंस को दोनों को मिला करके एक बार पाउली पढ़िए, फिर हंस पढ़िए, फिर पाउली पढ़िए, फिर हंस पढ़िए, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या है डिफरेंस। और मैं फिर अगली क्लास में आपको एन प्लस एल रूल एंड अपबाउ रूल समझाऊंगा। एन प्लस एल एंड अपबाउ रूल जब आप समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने लगेगा धीरे धीरे। फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करेंगे और आपको अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगली की अगली क्लास तक एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम हर चीज को पढ़ने को सही पढ़ने को सही चीज पढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके पीरियोडिक टेबल, आपका केमिकल बॉन्डिंग जैसी सारी चीजें एकदम फटाफट समझ आएंगी। बट बेसिक थोड़ा सा टफ होता है, पेशेंस रखना पड़ता है और अच्छे से पढ़ना पड़ता है और ये सोच के पढ़ना पड़ता है कि हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हम केवल काम चलाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि केवल मेरा काम चल जाए इतना बस मेरे को समझ आ जाए हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए रखते हैं, जय हिंद।